नेतृत्व की पावन धरती पर बंदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ। बिंदी की धरती से मेरा बहुत पुराना नाता है, यह मेरी शिक्षा भूमि है और आज यहाँ पर मुझे मंच पर बोलने का मौका मिला, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है। मैं ऋचा पटेल, ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग अपने लिए नहीं तो आने वाले कल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए और लड़िए, क्योंकि ओबीसी की बहुत ही पिछड़ा वर्ग की दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमारे पिछड़ा वर्ग पिछले 15 सालों से पिछड़ा वर्ग के मंत्री होते हुए भी ओबीसी को उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। खास करके युवाओं से, छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, इसकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अभी हाल ही में आप लोग देखिए यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें से 836 सीटों पर रिजल्ट घोषित होना चाहिए लेकिन 761 सीटों पर रिजल्ट घोषित हुआ है, 75 सीटों पर घोटाला। लेकिन आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग होकर भी आप सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि 75 सीटों पर घोटाला क्यों, इसका भी रिजल्ट घोषित होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चेतावनी भी है ओबीसी महासभा की ओर से कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और उनको उसका अधिकार दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारे ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग की संख्या 50% से अधिक है और हम ही लोगों से सरकार बनती है, न कि सरकार पिछड़ा वर्ग यदि वोट नहीं करेगा तो सरकार की दम नहीं है कि वो अपनी सरकार बना ले, पिछड़ा वर्ग के दम पर हम सरकार बनाते हैं। लेकिन हमारी इतनी दुर्दशा है कि क्या करें, हमें खुद हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और हम सरकार की गुलामी कर रहे हैं। ये सरकार की गलती।